कौन से बार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पति बार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती है जम के बोलो जरा? एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें, थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर तीन बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए, जैसे ये नंदी है और ये शिव है तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया उस दीप को जला दिया तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाएगा जरूर, धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा पर अपनी संपदा वापस। जिंदगी की मान लो अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए, आज विश्वनाथ जी की धरा से ये बात लेकर जा रहा, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए कितना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। ये भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, चार गड्डियां तीन तीन बेलपत्र की बना, और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की चार जो गड्डियां हैं वो गड्डियों को, चार बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की किसी भी महीने की दो प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए, किसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर चार चार बेलपत्र की तीन गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित। कारकोटेश्वर महादेव अवंती का खंड में, स्कंद महापुराण के अवंती का खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि हमें क्या कहा, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन करकर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो और चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर शिव को जल समर्पित करो, बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता क्यों ना सुनता, अगर विश्वास रखकर कराए।